दो बच्चे हैं जो कि 1200 किलोमीटर तक स्केटिंग करते हुए अयोध्या जा रहे हैं। देश में इस वक्त माहौल राममय हुआ हुआ है और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से राम के माहौल में रमे हुए हैं। हमारे साथ दो बच्चे हैं जो कि 1200 किलोमीटर तक स्केटिंग करते हुए अयोध्या जा रहे हैं। जालौर के रुचियार गाँव से इन्होंने सफ़र शुरू किया है और फिलहाल जयपुर पहुँचे हैं। सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग का वक्त है और लोग जब रजाइयों में दुबके हुए हैं तो ये बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, कितने साल के हो आप? मैं 8 साल की हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, कब से चल रहे हो आप स्केटिंग करते हुए? पहले तो हमने 1 महीने तो सीखा हुआ है, 6-7 महीने तो सीखा हुआ है और आज हमारा 9वां दिन है। 9वें दिन से आप लगातार चलते हो। हाँ। कितने किलोमीटर चलते हो? अच्छा रोड हो तो 80-90 और खराब रोड हो तो 50 ऐसे ही चलते। 50 के आसपास चलते हो तो परेशानी नहीं होती कोई? नहीं। तो कैसे मन में आया कि राम जी के वहाँ जाना है? राम जी की मेरी दादी जो दादी माँ है ना, वो राम की बहुत बड़ी भक्त है ना, इस वजह से है ना दादी ने मजाक में बोल दिया कि अयोध्या जाएंगे हम एक बार, तो हमने है ना रियल में ले लिया इस वजह से। मजाक को सीरियस ले लिया आपने। क्या नाम है दादी माँ का? पूनी देवी। पूनी देवी, तो क्या कब तक पहुँच जाएंगे आप अयोध्या? अभी 10 दिन और लगेंगे। 10 दिन और लगेंगे, आप 9 दिन से चल रहे हैं। 19 दिन का इनका कार्यक्रम है। सिमरन, कहाँ पढ़ते हो आप? मैं भिन्नाल में पढ़ती हूँ, सेंट पॉल सेकेंडरी स्कूल मेरी स्कूल का नाम है। जी जी। पापा आपके साथ हैं इसमें? पापा है। क्या नाम है पापा का? विक्रम चौधरी। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? सोने का मतलब गोल्ड की दुकान है। जी, गोल्ड की दुकान है, सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं पिताजी। एक और बालक है, इनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सर जी। कैलाश जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कैसे विचार आया अयोध्या जाने का स्केटिंग करते हुए? मेरी दादी थोड़ी भक्ति में है और स्केटिंग हमारी हॉबी है, तो जैसे सब लोग है ना अलग अलग जाते हैं, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई साइकिल पे कर रहा है, तो हमारी स्केटिंग हॉबी है तो हमने सोचा कि हम स्केटिंग पे यात्रा करेंगे। जी। तो क्या किस तरह की परेशानी आती है रास्ते में? कोई कभी कभार खराब रोड आते हैं, कभी कभार ऊपर ढलाई आ जाती है, वरना परेशानी तो नहीं आ रही है। जी। तो रोड तो राम जी नहीं मोदी जी ठीक करवाएंगे। तो बोलो मोदी जी को कि कुछ सड़कें जो खराब है उनको ठीक करवाया जाए। नहीं नहीं, हमने बोला था हम कौन से गांव पहुंचे थे, कोई हरजी हरजी पहुंचे थे ना, तो आके एमएलए साहब को बोला था थोड़ा रोड सही करवाना। हाँ, तो और भी एमएलए जाएंगे, उनको भी आप बोलिए। हाँ ठीक है जी। इनके पिता साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? बालाराम। बालाराम जी, आप इनके पिता हैं। जी जी जी। कैसे आप देखते हैं इसको? आप अब सर देखते हैं, लेके चल रहे हैं, कभी रोड खराब आता है थोड़ी हेल्प करते हैं, उसको आगे पीछे करते हैं और धीरे 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 चल रहे हैं सर जी। कितने कितना आप किस तरीके से कितने लोग हैं जो इनके साथ हैं? सर मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और हमारे पड़ोसी है और एक दो और है भाई। ट्रैफिक में दिक्कत नहीं आती ट्रकों के बीच में, वो इनकी सिक्योरिटी और दूसरी चीजें? सर हमारे साथ में 2 गाड़ी है, एक गाड़ी आगे रखते हैं, एक पीछे रखते हैं, बीच में इनको चलाते हैं और धीरे धीरे चलाते हैं। वैसे लोग भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और लोगों का भी रास्ते में खूब प्यार मिल रहा है। जी जी जी। तो क्या लोग ये नहीं बोल रहे कि बच्चों को आप इस तरह से झोंक रहे हो परेशानी में, असुरक्षा में? नहीं नहीं, लोग तो इनको देख के खूब कहने का मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं और इनका बच्चों का पाँव छू रहे हैं, तो हमें भी इस टाइप का लगता है। तो राममय माहौल के बीच आप कब तक पहुंच जाएंगे? मतलब आपको शायद आप 29-29 तारीख तक पहुंचेंगे आप? सर हम तो निकले थे पहले पहुंचने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है और उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम धीरे 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 जा रहे हैं। कैलाश नाम बताया आपने, हाँ, क्या आपको रास्ते में परेशानी नहीं आ रही है? नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्या बनना चाहते हैं आप? मेरे को गेम्स में ज्यादा है जी। हाँ, स्केटिंग या इंडिया में ज्यादा फेमस गेम नहीं है? इंडिया में ज्यादा फेमस नहीं है, पर मैं मेरे हिसाब से मैं खुद को ऊपर लेके जाने की सोचूंगा, स्केटिंग पे फुल मेहनत करूंगा। 1200 किलोमीटर का सफर है, अब आप पाली होते हुए आ रहे हैं, तो अयोध्या का पूरा मैप आपने देखा होगा? हाँ।
आप क्या करना चाहते हैं सिमरन बड़े होकर? मैं बड़े होकर मेरे अंदर तो है, मैं डॉक्टर बनूंगी और स्केटिंग भी चलाऊंगी, दोनों करूंगी। दोनों भाई बहन आप मतलब कुछ और ही सोच रहे हैं जी। तो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि राम के लिए, भगवान राम के प्राण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त रवाना हुए हैं जालोर जिले के रुचियार गाँव से। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र का गाँव है छोटा सा, और वहाँ से ये लोग आ रहे हैं और तमाम तरह की मुश्किलात के बावजूद धीरे धीरे ही सही और भगवान राम के नाम का झंडा ले रखा है। दादी ने मजाक में कहा, बच्चों ने सीरियस ले लिया है, की उम्र 12 साल है, दूसरे की 8 साल। हम इनकी यात्रा की सफलता की कामना करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि कमेंट बॉक्स में इन बच्चों को खूब आशीर्वाद दें। थिंक 360 के लिए कैमरा पर्सन मालचंद के साथ प्रदीप विदावत।